कैसे हैं आप? विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइस सुबह सुबह ही मैं नहा ली और तैयार हो गई, क्योंकि आजकल हम लोगों को सुबह ही ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम देखने के लिए निकलना पड़ता है। तो फटाफट मैं नहाकर हो गई हूँ तैयार और अब हमने कर लिया ब्रेकफास्ट और अब हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए। तो बस जल्दी से फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। दोबारा से घर देखने तीनों का फोन है, इधर जो जा रहा है स्कूल और वो निकाल रहे हैं बाइक। और कुछ तो नहीं, चाबी लेकर आते। मुझे लाइट ऑफ कर दो। किच हो गई है। फोन नंबर तो लिखा हुआ है। तो गाइस हम देख कर आए हैं और अभी उन्होंने बोला है कि आप थोड़ी देर बाद फिर से आना, क्योंकि अभी लाइन लोड वहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद मैं आ गई घर पर और हमने तैयार किया घर का दोपहर का खाना। आज ही भिगो दिया ताकि कल बनने में फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, गैस कम खर्च होगी। तो थोड़ा सा यहाँ खड़ा होने में बहुत दिक्कत हो रही है, पूरा गंदा हो रहा है, मेरा पैर भी स्लिप हो गया, पानी के बीच में खड़ा होना पड़ रहा है। तो गाइस मेरे पास से ये दो तीन कच्ची आमियाँ, तो मैंने सोचा इनका ना अचार डल सकता ना कुछ हो सकता, तो मैंने इनको क्या करा, छील धो कर अच्छे से पोंछ लिया और फिर इनको काट कर इनकी स्लाइसेस तैयार कर ली। और फिर मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मीठा था और थोड़ा सा खट्टा था बट बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दिया। तो खाने के साथ इसे लिया सैलेड की तरह, तो बहुत अच्छा लगा। और अच्छे से मिर्च और नमक को ऊपर नीचे करके मिक्स कर दिया। तो जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना, इसमें मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा था, क्योंकि खट्टी चीज़ों को देख के आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मुंह में पहले ही पानी आने लग जाता है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, मैं बहुत वीडियोस में देखती थी पर मुझे नहीं पता था ये इतना टेस्टी लगेगा। और जब मैंने इसको ट्राई किया तो बहुत ही, मतलब खाया तो बहुत मज़ा आया, और जॉयल ने भी खाया, मैंने भी खाया। तो खट्टी खट्टी थी कच्ची अमियाँ और उसमें एक नमक और मिर्च का अलग ही एक फ्लेवर आ रहा था। फोन नंबर तो लिखा हुआ है।